चीन और भारत के सहयोग से पूरे नेपाल में बिछ जाएगा रेलवे का जाल। पूरा नेपाल रेलवे नेटवर्क से आपस में जुड़ जाएगा। भारत और चीन का मिलन भी नेपाल में ही होगा। चीन और भारत का व्यापार भी नेपाल के रास्ते से होगा। इसका परसेंटेज लगभग 25 होगा, यानी चीन और भारत के बीच में जो व्यापार होगा उस व्यापार का 24% 25% नेपाल के रास्ते से होगा। इस प्लान पे काम कर रहे हैं भारत और चीन की सरकार। भारत और चीन के व्यापार नेपाल के रास्ते से होने के कारण नेपाल की प्रति व्यक्ति आय में भारी बढ़ोतरी होगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे नेपाल में समृद्धि आएगी। यह कहना है नेपाल के बड़े अधिकारियों का। इस रेलवे नेटवर्क में तेजी लाने के लिए चीन के कुछ बड़े अधिकारी नेपाल में 8 अक्टूबर को पहुंचेंगे और इसके बाद चीन के राष्ट्रपति नेपाल पहुंचेंगे। 2020 तक चीन नेपाल की सरहद तक अपनी रेल लाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सिगास्ते से रुसुंग और रुसुंग से केरुंग तक चीन की रेलवे लाइन आएगी और 2022 तक काठमांडू तक चीन की रेल पहुंच जाएगी। इसके बाद पोखरा लुम्बिनी रेल मार्ग से जुड़ेगा और नेपाल के प्लेन एरिया में भारतीय रेल दौड़ेगी। भारतीय रेल जयनगर से नेपाल में जाएगी, नेपाल के बर्देवास तक जाएगी। भारत के नेपाल के प्लेन एरिया में रेलवे नेटवर्क बिछाने का प्लान इस प्रकार है। सुनौली भैरवा रेल मार्ग, भैरवा से बुटवल, बुटवल से लुम्बिनी, इसके बाद बंगाल जलपाईगुड़ी से काकड़भिट्टा रेलवे मार्ग, जयनगर से बर्दीवास रेलवे मार्ग, जुगमनी से विराटनगर रेलवे मार्ग, रूपड़िया से नेपालगंज रेलवे मार्ग, रक्सौल बीरगंज पथलैया रेलवे मार्ग, लेकिन फिलहाल बीरगंज तक ही आएगी। पथलैया रेलवे मार्ग का प्लानिंग 2026 के बाद का है। ये इस प्रकार से होगा: विराटनगर से लालबंदी होते हुए बर्दीवास, जयनगर से जनकपुर होते हुए बर्दीवास, 2026 के बाद बर्दीवास से बागमती, रौतहट, निजगढ़ होते हुए पथलैया। पथलैया वही जगह है जहां पे रक्सौल से आती हुई इंडियन गाड़ियां, जयनगर काकरभिट्टा से आती हुई इंडियन गाड़ियां, विराटनगर से आती हुई इंडियन गाड़ियों का मिलन होता है। पथलैया बीरगंज नाका के नज़दीक पड़ता है। 2026 के बाद भारत सरकार इन परियोजनाओं पे काम करेगी। फिलहाल भारत सरकार जयनगर जनकपुर भैरवा बुटवल रक्सौल बीरगंज रूपड़िया नेपालगंज रेलवे मार्ग पे काम कर रही है। 2026 के बाद लुम्बिनी से गया को जोड़ दिया जाएगा। यह सहमति भारतीय अधिकारियों, चीन के अधिकारियों और नेपाल के अधिकारियों के बीच में बनी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य का नेपाल कैसे होगा। भविष्य का नेपाल ऐसे होगा कि नेपाल के किसी भी जगह से कोई भी गाड़ी पकड़ के चाइना पहुंच सकते हैं, भारत पहुंच सकते हैं, या चाइना से कोई भी गाड़ी पकड़ के नेपाल के रास्ते से होते हुए आराम से भारत आ सकते हैं। ऐसे ही भारतीयों के लिए होगा कि भारत से गाड़ी पकड़ के नेपाल के रास्ते से चाइना जा सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम समय में। अब नेपाल के आदमी या भारत के आदमी चाइना की यात्रा कर सकते हैं और चाइना के आदमी नेपाल के लुम्बिनी, भारत के गया तक आराम से आ सकेंगे। इनमें कुछ परियोजनाओं पे काम चल रहा है, कुछ विचाराधीन है और कुछ भविष्य के लिए हैं। आप मान सकते हैं कि 2035 का नेपाल या 2035 के नेपाल की सारी सिटियां आपस में रेलवे मार्ग से जुड़ी होगी, जिसका सरे चीन और भारत को जाएगा। नेपाल की 65% जनता भारतीय रेल मार्ग का फायदा उठाएगी और नेपाल की 35% जनता चीन के रेल मार्गों का फायदा उठाएगी। रिपोर्ट बाय नव भारत टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया।